हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। वेलकम टू आवर साइंस सीरीज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्लास फिफ्थ के साइंस के बुक जो कि एनसीईआरटी वाली बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 13 चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ चैप्टर 14। जिन्होंने चैप्टर 13 तक की वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट चैप्टर 14। व्हेन द अर्थ शूक, जब धरती कांपी। अ बैड ड्रीम, हेल्प हेल्प सेव मी, ओ देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। हेल्प हेल्प, ओ क्या हुआ, ओ देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। हर जगह से क्या है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वर रनिंग ऑल अराउंड। जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो सारे एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे थे और ग्राउंड क्या कर रहा था, शेक कर रहा था। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं चैप्टर में। सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम उसको करेंगे। वो चीज़ें मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं और प्लस मैं आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल आइडिया दूंगी ताकि आप चैप्टर को रिलेट कर सकें। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है और उसमें हम ये कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, बेसिकली हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चारों तरफ से क्या आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी और ग्राउंड क्या कर रहा था, शेक कर रहा था। और प्लस पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे थे। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मैं ज़ोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। और हियरिंग मी माई मदर ऑल्सो वोक अप, और मेरी चीख को सुनकर मेरी मदर भी जग गई और वो मेरे पास भागते हुए आई और उन्होंने मुझे टाइट से हग किया। इट वॉज द सेम बैड ड्रीम, ये वापस से वही पुराना बैड ड्रीम था। इट हैज़ बीन मोर देन 6 ईयर्स नाउ सिंस द अर्थक्वेक, ये ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका था अर्थक्वेक आए हुए को। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग। पर जो मेरे को मेरे सपनों में वो जो अर्थक्वेक वाली चीज़ थी वो मुझे आज भी परेशान करती है और मुझे वापस से ऐसे लगता है कभी कभी अपने नींद में कि हाँ अर्थ जो है शेक कर रही है। आई एम जास्पर, आई लिव इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। वो कहाँ पे रहने वाली है, ये एक जश्मा की कहानी है और वो कच्छ एरिया की रहने वाली है जो कि गुजरात में है। तो गुजरात में कौन सा एरिया, गुजरात कौन से एरिया से रिलेटेड है, कच्छ। तो कच्छ एरिया से रिलेटेड कहाँ, कच्छ एरिया किससे रिलेटेड है, गुजरात से। आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड वेन देयर वॉज एन अर्थक्वेक, मैं 11 साल की थी जब अर्थक्वेक आया था। इट वॉज 26 जनवरी 2001। अब यहाँ पे उसकी एक स्टोरी आ रही है कि उसने कब ये अर्थक्वेक देखा था और क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो उसे आज भी वो डर सताता है। 26 जनवरी 2001 की बात करिए। एवरी वन फ्रॉम द विलेज चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल्स हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द पैरेड ऑन टीवी। जो सारे के सारे विलेजर्स थे वो और जो बच्चे थे ओल्ड पीपल्स थे वो सारे कहाँ पे, एक स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हो रखे थे टीवी पर परेड देखने के लिए। सडनली ग्राउंड वॉज शेकिंग और अचानक से ग्राउंड क्या करने लग गया, शेक करने लग गया और सारे लोग डर गए और डर के मारे इधर उधर भागने लग गए और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज अ टोटली पैनिक सिचुएशन। टेकिंग टू चिल्ड्रन अबाउट द अर्थक्वेक इन बुज वुड हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। द इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक कैन ऑल्सो बी डिस्कस्ड। यहाँ पे ये पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि हम जैसे अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एक ही सिचुएशन है जो कि भुज में अर्थक्वेक हुआ था, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं बच्चों को और उनको समझा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। बच्चों को डिस्कशन का टाइम दे सकते हैं कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के, हमें क्या सेफ्टी करनी चाहिए अगर अर्थक्वेक आ गया तो हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसके बाद की हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, या फिर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं ताकि बच्चे चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें। इन अ फ्यू मिनट्स आर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और कुछ ही टाइम में जो है इनका जो गांव था वो सारा का सारा गिर जाता है। जो घर थे वो गिरने लगते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो गिर जाते हैं ग्राउंड पे और सारी जगह पे क्या हो जाती है, सारी चीज़ें फैल जाती हैं, उनके क्लॉथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स एंड फूड और सारी चीज़ें किस में दब जाती हैं, पत्थरों में, मिट्टी में और वुड में।
जो जो कि किससे घिरी हुई थी, उनके गिरे हुए हाउसेस से सारे में फैली हुई थी, और कुछ लोगों की जान भी चली जाती है और लोग इनके नीचे दब जाते हैं। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, और जो इनके गाँव का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को चोट भी लगती है और जल्दी से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता है। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल्स विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स, और जो डॉक्टर्स थे वो किससे ट्रीट कर रहे थे, लोगों की हेल्प से ही लोगों को ठीक कर रहे थे। और इनके गांव के 6 लोग जो थे वो मर भी चुके थे इस इंसिडेंट में। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो भी घर के नीचे दब गए थे, और जो इनकी मम्मा थी वो पूरे टाइम पे रोती रहती है। तो मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन आपको बताई गई है कि जो सारे में क्या है, सारे घर गिर गए हैं और इन लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज़ द सरपंच ऑफ आर विलेज वॉज नॉट मच डैमेज। यहाँ पे एक मोटा बापू जो कि सरपंच है इस गांव के, उनका जो घर है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। और वो क्या करते थे, वो चावल वगैरह और जो अनाज था अपने गोडाउन से वो लोगों को देते थे, और काफ़ी दिनों तक लोगों ने, जो गांव की औरतें थी उन्होंने उनके घर में खाना बनाया था एक साथ, ताकि सब लोगों को फूड सर्व किया जा सके। और बिना घर के लोगों को विंटर में रहने में प्रॉब्लम भी आ रही थी, और ये लोग रात भर ऐसे जग के ये सोचते रहते थे कि ये दोबारा से अर्थक्वेक तो नहीं आ जाएगा। हैव यू और एनी वन दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफिकल्टी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है यहाँ पे हेल्प अराइव्स, हेल्प अराइव्स मतलब मदद पहुंचने लगी जैसे जैसे, कि जब लोगों को पता चलने लगा तो दूसरे सिटीज से लोग आने लगे इन लोगों को हेल्प करने के लिए। आपने देखा भी होगा कि जब कोई भी कहीं पर भी डिजास्टर आती है, कोई भी आपदाएं आती हैं, तो जो दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं या फिर जो अच्छे स्टेट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे रिचर पीपल्स होते हैं जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो लोग आगे आके उन लोगों की हेल्प करते हैं जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। सो पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीज़ हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स। लोग क्या कर रहे थे, इनके लिए आकर टेंट्स दे रहे थे, इन्हें प्लास्टिक टेंट्स दे रहे थे, ताकि ये लोग कोल्ड विंटर में ईजली रह सके। और कुछ लोग आए इनके पास जो कि कुछ साइंटिस्ट थे, जिनमें से कुछ लोग साइंटिस्ट थे। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। ये लोग सर्च कर रहे थे कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है अर्थक्वेक आने के, भूकंप आने के। पीपल फ्रॉम आर विलेज टॉक टू देम मैनी टाइम्स, यहाँ के गाँव के लोगों ने भी इनसे आपस में बात की और इन लोगों ने सजेशन दिया कि इनको अपने घर जो है दोबारा बनाने चाहिए। और इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स जो थे उन्होंने इनको कुछ स्पेशल डिज़ाइंस दिखाए, ताकि इस तरीके से इनके घरों को कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पे आने वाले अर्थक्वेक में डैमेज ना हो सके। पर लोगों को क्या था, डर था कि अगर हम इनकी हेल्प लेंगे तो हमारे जो घर हैं वो एज बिफोर नहीं दिखेंगे और हमारा गांव पहले जैसा नहीं दिखेगा। पर फिर बाद में क्या करते हैं ये लोग, कि जो इनका स्कूल का जो इनका जो स्कूल होता है गांव का, वो इनकी हेल्प से बनवाते हैं, और प्लस साथ में ये लोग मिलके अपने अपने घर बना के वापस से खड़ा करते हैं। और सम पीपल्स डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड, कुछ लोग सूखे तालाब को खोद कर चिकनी मिट्टी लाते हैं, मिट्टी से फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और एक दूसरे को रखकर दीवारें खड़ी की, चूने से पत्थर की पुताई की। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने की। अब यहाँ पे हम बच्चों को गवर्नमेंट एजेंसीज और वॉलेंट्री ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, जिनका सारा जो टेक ओवर होता है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है, फिर बीच में कुछ कुछ मीडिएटर्स होते हैं, ताकि कि हाँ आप इनके थ्रू लोगों से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते, तो आप मतलब बीच में मीडिएटर्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो नॉर्मल जो जनरल पीपल्स होते हैं, कॉमन मैन से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे देखिए एक टर्म दी गई है, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर बोलते हैं हम आपदाओं को, पर नेचुरल डिजास्टर जो जिसमें ह्यूमन का रोल नहीं होता, लाइक अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक ह्यूमन बींग्स की वजह से नहीं आया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो प्राकृतिक आपदा होती है उसी को नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। और जब ये जैसे आग लग जाती है, तो आग के भी रीजंस होते हैं, या फिर ज्वालामुखी का फूटना, तो ये सारे क्या होते हैं, ज्वालामुखी का फूटना, वोल्केनो इरप्शन जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सारे किसके अंडर आते हैं, नेचुरल डिजास्टर के अंडर आते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ जैसे स्कूल्स में हमें ड्रिल्स कराई जाती हैं कि हम अगर अर्थक्वेक आ जाता है
तो हमें क्या जो है चीज़ें करनी चाहिए, हम कैसे कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होता है तो हमें खुली जगह पे जाना चाहिए और घर से बाहर निकल जाना चाहिए। इफ़ यू कैनॉट गो आउट ऑफ द हाउस, देन लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लिप अवे। वेट अंटिल द सेकिंग स्टॉप्स। देखो जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे ये बच्चा एक टेबल के नीचे बैठा है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो हम क्या कर सकते हैं, इसको टेबल को स्ट्रांगली हम यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं ताकि हमारे सर पर चीज़ें ना लगे, बिकॉज सर पे चीज़ें लगती हैं तो हमें चोट ज़्यादा लगती है, और इसके इसके नीचे रह के हम कवर रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में भी कितने सारे केसेस होते हैं तो हमें ड्रिल्स कराई जाती है, और यहाँ पे मैंने सिस्मोग्राफ लिखा है। सिस्मोग्राफ की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि अर्थक्वेक की जो है इंटेंसिटी कितनी है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है विच हेल्प अस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने में हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि कौन सी डिवाइस जो है हमें हेल्प करती है अर्थक्वेक को मेजर करने में, तो कौन सा आएगा, सिस्मोग्राफ को आप टिक करेंगे। यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है भुज का, जब अर्थक्वेक आया था ये अहमदाबाद की है 26 जनवरी 2001 की जो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो इधर से उधर हो गई थी सारी। में देखो आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि सारे में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ टूटी फूटी चीज़ें दिख रही हैं। इसको जब आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखिए, लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू सच डिज़ास्टर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर, साइक्लोन्स, ये सारे क्या है आपके डिज़ास्टर्स हैं। हमारे जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ास्टर्स आते हैं और लोगों को क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अपने स्क्रैप बुक वगैरह में लगा सकते हैं। यहाँ पे इतनी ही चीज़ें थी अर्थक्वेक से रिलेटेड, और लोगों को क्या हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। लोग आ रहे थे तो इनको खाना दे के जा रहे थे, और कुछ लोग इनको टेंट्स देकर जा रहे थे ताकि ये लोग इजीली रह सकें ठंड में, और फिर इन्हें थोड़ा टाइम भी लग जाता है अपना घर वापस से पहले जैसा बनाने में। तो जब भी अर्थक्वेक आता है हमें क्या क्या चीज़ें सीखी, हमें खुले में निकल जाना चाहिए, ज़्यादा अगर घर हमारा कंजेस्टेड है लाइक चीज़ें ज़्यादा पास पास रखी हैं तो वो चीज़ें गिर के हमें चोट लगने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हम किसी टेबल के नीचे अपने आप को कवर अप कर सकते हैं, और हम स्कूल्स वगैरह में बच्चों को ड्रिल्स करा सकते हैं ताकि बच्चों को अवेयरनेस पहुँचाई जा सके और उनको बताया जा सके कि अगर ऐसी सिचुएशन उनके सामने आती है तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी। आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन।